मेरा नाम सुदाई लाल दत्त है। मेरे पिताजी का नाम श्री चुनी लाल दत्त है। हमारी शादी हुई 25 नवंबर 1965 को। उसके लगन लागी रे तो से प्यार बलम केसरी। मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो मुलाजिम हैं और अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। तो ये फंक्शन जो है ये मेरे बच्चों में और पोते पोतों में आज लंच किया है। अति धन्यवादी हूँ कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके और इस फंक्शन में आपने सबने आकर के मेरा हौसला बढ़ाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरी पैदाइश गांव बटंगी तहसील और जिला मुजफ्फराबाद में हुई, जिसको आजकल पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। मेरे जब मैं 4-5 साल का था तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान बनने के बाद कबायली जो थे वहाँ पर हमला करके आ गए। हम अपने घर को छोड़कर जंगल में चले गए। पिताजी जी, माता जी जी और भाई बहन जो थे सब जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के 4 दिन के लिए हम वहाँ रहे। उसके बाद आखिर किसी को भूख नहीं, किसी को प्यास नहीं, कुछ नहीं। वहाँ 4 दिन के लिए हम उसमें जंगल में रहे। उसके बाद एक दिन रात को हम वहाँ से निकल के अपने मज़ारा जो था मुसलमान, जिसके जो हमारी ज़मीन को काश करता था, उसके घर चले गए। उसने हमें आटा दिया और हमारी माता जी ने उससे टोडे वगैरह बना करके हमको 4 दिन के बाद खिलाए। अब कबायलियों ने यह हुक्म दिया था मुसलमानों को कि जिस मुसलमान के घर से कोई काफर निकलेगा, हिंदू को कहते थे काफर निकलेगा, तो उसको उसके समेत उसके मकान में उसको जला देंगे। ये उनको हुक्म था। सुबह वो मुसलमान उठा और वो सीधा वहाँ चला गया जहाँ कबायली ठहरे हुए थे। उनको जाके बताया कि रात को मेरे घर में इतने आदमी हिंदू जो हैं वो आए हुए हैं। उन्होंने एक कबायली को भेज दिया, वो बंदूक लेकर के आया और हम सबको अपने साथ लेकर के बटंगी जहाँ उनका कैंप लगा हुआ था वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ एक जो था कबायली उसने बंदूक उठाई और हमारे पिताजी को गोली मारने लगा। मगर हमें कोई ज़्यादा मालूम नहीं था। हमारी माँ जो थी वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, मगर हमें नहीं समझ थी कि ये क्या हो रहा है। उस कबायली के हाथ से एक राउंड जो है वो
नीचे गिर गया, जिसको वो मारने लगा था जिस राउंड से, वो नीचे गिर गया। वहाँ स्टेज जैसे थे, पहाड़ी इलाके में स्टेज जैसे खेत होते हैं, मकान होते हैं। उसने एक आदमी को भेजा कि जाओ वो कारतूस उठा के लाओ। इतनी देर में उसका दूसरा एक साथी आ गया। वो कहने लगा, क्या कर रहे हो भाई, काफिर को मार रहा हूँ मैं, स्वाब स्वाब लेना लूँगा। उसने कहा, बड़े दयालू हो यार, इसके ये चार बच्चे हैं, एक बीवी है, ये कहाँ जाएंगे, इसको नहीं मारना है। उसने हमारे पिताजी को छुड़ा दिया। उसके बाद हमें कहने लगा कि आपका जहाँ घर है वहाँ आप चले जाओ। तो एक कबायली को हमारे साथ लगाया, उसने थोड़ी दूर जाके पिताजी की तलाशी ली, जो उनके हाथ जो उनकी जेब में पैसे वगैरह थे वो सब निकाल लिए उसने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी आ गई। कुछ दिन के बाद पाकिस्तान की आर्मी आ गई। उसने बरसाबा एक जगह थी, वहाँ पे जो हिंदू बचे हुए थे उन सबको पकड़ के बुलाया, उसने आदमी ने बुलाया, तो वो हमें भी वहाँ ले गए। उस आदमी में जो अफसर था वो हमारे माँ के टेके का रहने वाला था। उसने पहचान लिया कि तू बैसाखी साहब की है। साखी नाम की लड़की है, तू मेरी बहन हुई। चलो आपके ठिकाना कहाँ पर है, तुम्हारा ठिकाना तो वहाँ पर दिया है, वहाँ पर दिया है, दुकानें दी है कोहला में। उसने कहा, चलो एक आदमी का जुआम हमारे साथ लगाया, इनको जाओ वहाँ जो इनकी दुकान है उनमें इसको उनको बैठाओ, और जो इनको ज़रूरत का सामान है वो सब इनको दो, और आपको दो आदमियों ने वहाँ पहरा देना है 10-20 दिन के लिए, ताकि इनको कोई मार ना जाए। उसके बाद फिर थोड़ा अमन अमान हो गया, तो फिर जब हमारा एक मकान था वो तो जला दिया था उन्होंने, कबायलियों ने या वहाँ के लोकल मुसलमानों ने, एक मकान जो था वो कच्चा मकान वो बच गया था, उसमें हम चले गए। तो 2-3 साल वहाँ पर हम उस कच्चे मकान में रहे। उसके बाद मुजफ्फराबाद में अम्बोर एक जगह थी, वहाँ पे हिंदू जो बचे हुए थे सारे आगे पीछे के हिंदू बचे हुए, वहाँ पे उन्होंने कैंप लगा दिया। तो हम भी उस कैंप में चले गए अम्बोर कैंप में। वहाँ मेरा बड़ा भाई जो था राजा राम, उसको निमोनिया हो गया। तो हमारे पास कोई दवाई दारू करने के लिए कोई साधन नहीं था, इस कारण उसका स्वर्गवास हो गया। और उसको हमने दरिया जेदम में जाके बोरी में डाल के उसको बहा दिया, क्योंकि बुलाने का कोई हमारे पास साधन नहीं था उस समय। तो उसके बाद 1-2 साल हम वहाँ रहे। उसके बाद रेड क्रॉस की सहायता से हमें वहाँ से उठाया, और उन्होंने रेड क्रॉस में उठा के तो हमें फिर अमृतसर लाए। वो पहले लाहौर लाए, लाहौर एक रात रहे, वहाँ से अमृतसर आए। अमृतसर से फिर हमें योग कैंप जो हिमाचल में था वहाँ पर भेज दिया। वहाँ पर जाकर के मैं स्कूल में दाखिल हो गया। तो 2-3 महीने के बाद, मेरी उम्र उस वक़्त 7-8 साल की हो गई थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ दूसरी में दाखिल हो गया मैं। वहाँ से फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने जो योल कैंप था उसको उन्होंने मतलब ख़त्म कर दिया। लोगों को कहा, भाई जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ आपको भेज देते हैं। तो हमारे माता पिताजी जो थे वो अलवर चले गए। अलवर राजस्थान था, उस समय तो वहाँ कोई साधन नहीं था। आजकल तो कहते हैं बड़ी तरक्की हो गई है, उस वक्त कोई साधन नहीं था वहाँ। उसमें अलवर में पानी जो था वो चांद की तरह नीचे कुएं में देखा जाता था, एक दो दो आदमी रख के एक एक बाल्टी को खींच के भागते थे ऊपर। वहाँ से हमारी माता जी थी बीमार हो गई। हमारे मामा जी थे कृष्णा नगर में, दिल्ली में रेलवे में मुलाजिम थे,
तो पिताजी ने उनको वहाँ छोड़ा और खुद अपनी बहन के पास जम्मू आ गए। इसी दौरान उनकी वहाँ पर मौत हो गई, स्वर्गवास हो गया। तो जब ये गए तो उस वक्त सारा साफ तलाब जो था वो जो था वो ख़त्म हो चुका था। वहाँ से फिर पिताजी हमें भी जम्मू बुआ जी के पास ले आए। तो उस वक्त मेरी उम्र शायद 10-12 साल हो गई होगी। तो उन्होंने एक हेडमास्टर से मिल के तो मुझे छठी क्लास में दाखिल करा दिया, सीधा छठी क्लास में। अब जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं उसको छठी क्लास में क्या क्या ध्यान देगा। 2-3 महीने रह गए थे ब्रह्मे में। तो उसके बाद उन्होंने हमें छठी में ही रहने दिया, छठी क्लास में ही। उसके बाद अगले सेशन में जब अगला साल चला तो फिर उसमें मैं छठी में पास हो गया, फिर 7वीं में भी हो गया, 8वीं में बोर्ड था, बोर्ड में भी पास होके फिर वहाँ से हम कठुआ आ गए। क्योंकि कठुआ में शेरपुर में पिताजी ने जमीन अलाट कराई थी तो हम कठुआ में आ गए। यहाँ 9वीं-10वीं मैंने इसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल कठुआ में पास करी। उसके बाद मैं 10वीं पास हो गया जब, तो पटवारियों के इंटरव्यू हो रहे, वो रिटर्न टेस्ट हो रहे थे, मैंने भी दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई। मगर मुझे मालूम नहीं था कि पटवारी क्या चीज़ होती है। वो पजामा पहनते थे, बस्ता मुंडे पर रखते थे, दरियों पर बैठते थे। इसलिए मैंने कहा यार ये नौकरी नहीं करनी है, मैंने अच्छी अच्छी नौकरी करनी है। फिर यहाँ से मैं चला गया 1959 में सहारनपुर। वहाँ पुआ के लड़के के साथ दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। तो 3 साल में वहाँ रहा। 3 साल के बाद वहाँ से वापस कठुआ आ गया। तो 1962 में कठुआ आ गया। यहाँ मुझे एक RBI के सर्वे में नौकरी मिल गई 3 महीने के लिए, वो करी। उसके बाद जम्मू वाली पुआ जी का लड़का ब्रेनिंग डिपार्टमेंट में था, मुलाजम था, तो उसने मुझे नेशनल सैंपल सर्वे में नौकरी दिलवा दी। मैंने नई 1963 में सर्वे नेशनल सैंपल सर्वे ज्वाइन कर लिया। ₹1963 में मेरी नौकरी लग गई। उसके बाद शादी का चक्कर चला तो चमेली एक अच्छी लेडी थी जम्मू में, उसने कहा भाई तेरी शादी करा देती हूँ। तो उसने वो इनके साथ शादी की सेटलमेंट हो गई, क्योंकि उसकी बड़ी बहन थी, उसकी दरानी थी। इसलिए उन्होंने कहा चलो ये बेअबा लड़का है तो इसके साथ इसकी शादी कराते हैं। शादी हो गई। उसके बाद फिर हम कठुआ में रहना शुरू हो गए। दादी तो कुरुक्षेत्र के है ना दादू जी, तो आपकी हाँ, शादी दादी जो है वो ये तो हरियाणा की है, मगर मैं यहाँ का रहने वाला था इसलिए हमारी शादी हो गई। हमारी शादी हुई 25 नवंबर 1965 को। उसके बाद पहला बच्चा हुआ नीता दत्ता 1967 में, दूसरा लड़का अजय दत्ता 1969 में, और तीसरा लड़का राजेश दत्ता 2 दिसंबर 1972 को हुआ। हम फिर भी प्रभु की कृपा से
प्रभु की कृपा से हम मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो मुलाजिम हैं और अच्छी पोस्टों पर काम कर रहे हैं। तो हम चाहते थे कि गोल्डन जुबली जो 25 नवंबर 2015 को ड्यू थी वो मनाई जाए, मगर हमारे एक रिश्तेदार बख्शी ओम प्रकाश जो थे वो 18 नवंबर 2015 को ही दिल्ली में उनकी स्वर्गवास हो गया, इस कारण हम वो गोल्डन जुबली जो थे वो नहीं मना सके। उसके बाद ये फंक्शन जो है ये मेरे बच्चों ने और पोते पोतियों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं आप सबका अति धन्यवादी हूँ कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके और इस फंक्शन में आपने सबने आकर के मेरा हौसला बढ़ाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ।